नमस्कार प्रशिक्षुओं, अगर जो भी प्रशिक्षु ऐसे मेरे भाई सीटेट के एग्जाम नहीं क्लियर किए हैं, क्योंकि आपको पता है बीएड हो चाहे बीटीसी हो, इस बार भी अपीयरिंग वाले बच्चों को लिया गया था, तो इसका मतलब साफ है कि अगर आपका इस बार सीटेट नहीं निकलता है तो जाहिर सी बात है कि दो बार सीटेट होना ही होना है, निश्चित रूप से होने वाला है। दो बार सीटेट तो होगा ही, क्योंकि सीबीएसई ने जिस प्रकार से पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सीपीसी के अध्यक्ष जी महोदय जी बोले थे कि दो बार सीटेट होना चाहिए, और उसी पैटर्न पे वो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो आपका एक महीने होगा उसमें आपके सीटेट के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है अगर अक्टूबर माह में बीपीएससी ने भर्ती निकालने की दावा कर दी है नोटिफिकेशन 1.5 लाख का, तो जाहिर सी बात है वो अपीयरिंग सीटेट को लेने वाली है फिर से। तो इस वजह से अगर आपने सीटेट नहीं क्लियर किया है, सीटेट अच्छे नहीं गए इस बार वाले, तो नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में होने वाले हैं, जनवरी के मिड तक होने वाले हैं, अगर ऑनलाइन कराता है तो, नहीं तो एक दिन कराएगा तो दिसंबर लास्ट तक में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। तो अभी से लग जाइए और सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन करिए, क्योंकि आपको एक नौकरी मिल रही है, इतनी बढ़िया बहाली, अगर एक छूटा तो दूसरा ऑफर बहुत कम लोग को मिलता है मेरे भाई। तो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, दोनों के लिए अगर बीएड हैं तो अपर प्राइमरी जरूर क्लियर करिए, अपर प्राइमरी वाला नहीं, सेकंड सीटेट अगर आपका क्लियर है सेकंड पेपर सीटेट का, तो अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आप लगे रहिए मस्त तरीके से, और इस बार यह एक सीट 1.5 लाख में से, अगर इसमें नहीं अच्छा गया है पेपर तो इस 1.5 लाख में से एक सीट आपकी होनी चाहिए, किसी भी प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में, टीजीटी पीजीटी किसी में, तो बहाली को जाने नहीं देना है। धन्यवाद।